तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला घुमारवीं हिमाचल प्रदेश की पहली स्पेस लैब का उद्घाटन किया है। घुमारवीं में बनी ये प्रदेश की पहली स्पेस लैब होगी। स्पेस लैब से विद्यार्थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रोजेक्ट्स का ज्ञान हासिल कर पाएंगे। यूपी मॉडल को यहाँ पर स्टडी किया गया और जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। स्पेस लैब से छात्रों को अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक, विज्ञान और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का मौका मिलेगा। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया है कि बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की पहली स्पेस लैब घुमारवीं में बनकर तैयार है। इस लैब में आधुनिक तकनीकों को दर्शाया गया है। जिस ज्ञान को बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, उस ज्ञान को इस लैब के माध्यम से अब वो अपनी आंखों से देख पाएंगे। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। आने वाले समय में अन्य स्कूल के बच्चे भी इस लैब का फायदा उठा पाएंगे। बड़े खुशी की बात है, ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट स्पेस लैब है जो जिला प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में ये स्पेस लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश की है। यहाँ पे डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसको दर्शाने का काम किया है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, और सेटेलाइट और एस्ट्रोनॉमी को दिखाने की बात की है, रॉकेट साइंस के बारे में बताया है। और वहीं पे जो उसको रोबोटिक्स के अलावा जो उसको बनाने की विधि है, जो इसके टूल्स यूज होते हैं, जिस तरह से उसको फैब्रिकेट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। 3D से कैसे प्रिंटिंग करके कोई मॉडल तैयार किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, लेकिन जब फिजिकली बच्चे उसको देखेंगे, यहाँ पे टेलीस्कोप्स रखे हैं जिसमें हम मून एंड सन को भी विजुलाइज करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स को देख सकते हैं। जब आसमान क्लियर होगा तो ये सिर्फ इसी स्कूल के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में जो आसपास के हमारे जितने स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे भी यहाँ विजिट कर सकते हैं, एंड दे विल गेट अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड सेटेलाइट्स, रॉकेट्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स, ये सब तरह का उनको रियल एक्सपीरियंस जब मिलेगा।